ये हमें मिक्स सब्जी मिली है यहाँ पे, ये देखो हमें शाही पनीर मिला है, और साथ में जो है कि दाल मिली है महाराजमा की, कर्ड मिला है, और सैलड है, और दो तंदूरी रोटी हैं, और चावल हैं, और ये हमें दोस्तों यहाँ पे मिला है हमें, और इसकी कीमत है 210 रुपये। और तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि ओकाया कंपनी का दोस्तों एक जो है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड करके जो है कि एक चार्जर लगा हुआ है, जिससे कि बैटरी वाली गाड़ी चार्ज होती है, देखो लाइक इस तरह से और इस तरफ से, और यहाँ पे जो है कि ये एक इधर छोटा भी लगा हुआ है और उधर दोबारा से एक बड़ा लगा हुआ है, तो ये लगे हुए हैं दोस्तों। और पीछे जो है कि बहुत ही खूबसूरत लेक है दोस्तों, जहाँ पे बोटिंग वेटिंग हो रही है, मतलब बहुत बढ़िया नज़ारा। और जैसे ही अंदर को जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो बोटिंग हो रही है, और मतलब मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा कि यार मैं फर्स्ट टाइम ऐसे आया हूँ। और तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि बोटिंग होती है, और ये फास्ट फूड का एरिया है लाइक कुछ, तो पहले हम बोटिंग का नज़ारा देखते हैं कि किस तरह से है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से ऐसे टिकटें विकटें मिल रही हैं, और इस तरह से जो है कि यहाँ पे बोटिंग हो रही है यहाँ पे, और काफ़ी जो है कि लंबी झील है दोस्तों ये, जहाँ तक नज़र जा रही है देखो आप, काफ़ी लंबी झील है दोस्तों, ये लोग बैठते हुए, और ये जो है कि देखो स्पेशल जो है कि कार जैसी बोट है यहाँ पे दोस्तों, जिसमें लोग बैठ रहे हैं देखो, ओह ये, और वो येलो बोट जा रही है वहाँ पे, वाव। तो थोड़ा इसको वाइड करते हैं, ओहो ये बात नज़ारे। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगा, अब हम चलते हैं वापस, और यहाँ पे जो है कि टिकट्स ज़रूर पूछ लेते हैं चलो, लाइक कि अगर हम आए हैं यहाँ पे तो टिकट्स कितने की है, टिकट कितने की है भैया यहाँ पे, टिकट कितने की है, 100 रुपये पर पर्सन, कितने देर के लिए, आधे घंटे, 100 रुपये पर पर्सन है दोस्तों आधे घंटे के लिए, यार ठीक है यार आधे घंटे के लिए, और क्या चाहिए, है कि नहीं दोस्तों, बढ़िया एकदम नज़ारेदार चीज़ है, देखो ये जा रही है बोट, शानदार नज़ारे। तो चलो दोस्तों चलते हैं अंदर, हमारी बस ना निकल जाए कहीं, यार ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, और इधर देखो यार जहाँ जहाँ जा रहे हैं यहाँ तो बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, मतलब मैंने एकदम से लेफ्ट साइड देखा तो यहाँ बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें लिखी यार मेरे को, ये लो यहाँ पे छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी बना हुआ है, वाह जी वाह, देखो यार जहाँ जहाँ नजर पड़ रही है वहाँ वहाँ यार कुछ बढ़िया ही हो रहा है, देखो है नहीं वाह। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों कैसे हो, मजे में, या मजे में चाहिए, गॉड ब्लेस यू ब्रदर सिस्टर्स, तो मौज लो रोज लो, ना मिले तो सरदार जी की वीडियो देख लो। तो दोस्तों सरदार जी दिल्ली से चंडीगढ़ आए थे किसी काम के लिए, और अब जो है कि वापस जा रहे हैं सरदार जी चंडीगढ़ से दिल्ली, और वापस ये बस दूसरी है दोस्तों, वो बस नहीं है, और वापस आते हुए जो है कि ये बस रुकती है दोस्ती यहाँ पे करण झील है यहाँ पे करनाल में, और ये भी हरियाणा टूरिज्म वालों का ही है दोस्तों, और मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि गवर्नमेंट की एक जगह कितनी खूबसूरत हो सकती है, मतलब ये वाली, और आते हुए दिखाया था उस तरफ था और जाते हुए यहाँ रुकती है, और ये वाली बस है जिसपे हम आए हैं दोस्तों, बस तो वो दूसरी है बट दोनों बसें एकदम सिमिलर थी, बिल्कुल सेम 9400 वोल्वो। अब अंदर चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एंजॉय बफे 250, रेस्टोरेंट बार गिफ्ट शॉप मोटेल, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे कुछ कोरोना के लिए सिम्टम्स दिए गए हैं कि आपने टच नहीं होना है, देखो हाथ नहीं लगाना है इस तरह से, तो बहुत अच्छी बात है यार, कोविड का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी बताया गया है कि हैंडशेक नहीं करना और सिर्फ हाथ जोड़ के नमस्ते करना है, तो बढ़िया है सर। आगे चलते हैं अंदर, और ये एटमॉस्फेयर है अंदर का दोस्तों, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे फोटो आती है, खाने का यहाँ पे अंदर है, और ये जो है कि पूरा एसी हॉल है लाइक, ओ माय गॉड, और अंदर आते ही जो है कि आपको ये मिल जाता है, और बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है, हम ट्राई करते हैं। सर बफे एक सिस्टम है या आला कार्ड है, बफे बंद है, ओके
तो थाली वाली मिलती है कुछ? थाली मिल जाएगी ना, एक थाली लगा दो सर। थाली में क्या क्या हुआ? नहीं नॉन वेज नहीं, वेज ही चाहिए। सब्जी होगी, दाल होगी, पनीर होगी, चावल होगी, नहीं दे दो फिर वही थाली दे दो सेम। दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे अंदर आए हैं, तो आपको बताया क्योंकि वहाँ पे भी हाँ, हालांकि ये जो है बफे का लगा हुआ लाइक, बट अब ये चालू नहीं है दोस्तों। अगर चालू होता तो यहाँ पे आपको बफे मिलता 250 रुपये के अंदर, बट अब ये चालू नहीं है। और बड़ा अच्छा नज़ारा यार यहाँ पे मतलब। तो हमने एक थाली मंगवा ली है पहले की तरह, और एसी बहुत लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो आप नीचे, और पूरा यहाँ पे गोलाई बनी हुई है वहाँ से लेके यहाँ तक। और जो लेक मैंने आपको दिखाई थी बाहर से, वो यहाँ से जो है कि देखो दिख रही है पूरी की पूरी एकदम, मतलब खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों एकदम, देखो है कि नहीं, पूरा इंजॉय भरा मतलब नज़ारा है यहाँ पे पूरा लेक का दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फुल इंजॉय वाला है भाई आज तो, मतलब लेक विद डिनर होने वाला है। नहीं और यहाँ बिल्कुल खाली है हमारे लिए टेबल, और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है दोस्तों। देखो आप, बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है यहाँ पे। एक टाइम के अंदर मेरे ख्याल से 60 से 70 लोग जो है कि आराम से डिनर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैठते हैं, अब वेट करते हैं। थैंक यू सर। रोटी ले आओ, ठीक है? बिल्कुल सर। तो भाई देखो ये थाली आई है हमारे लिए, हमारे लिए देखो इन्होंने मिक्स सब्जी दी है यहाँ पे, और ये देखो पनीर की सब्जी दी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है जो कि, और यार क्वांटिटी बहुत बढ़िया लगी मेरे को ना यहाँ पे देखो। एक तो यार ये दोस्तों दाल दी है, वाह जी वाह, है कि नहीं। और ये दोस्तों पनीर की सब्जी है, और ये दोस्तों देखो मिक्स वेज है, और ये चावल है, और साथ में सलाद है, और चटनी अभी भी मिस है। तो मैं पूछता हूँ इस बार कि चटनी भाई यहाँ पे क्या बात है, हरियाणा वाले चटनी यहाँ अचार नहीं खाते? तो मैं पूछूंगा ज़रूर, अभी भैया आएंगे उनसे। यहाँ पे रोटी आ गई है सर, हमें दो रोटी मिलेंगी इसमें? दो एक्स्ट्रा मंगा सकते हैं रोटी, और अगर सब्जियाँ चाहिए हो तो? नहीं सर, थोड़ी दाल तो दे सर वैसे आपको। वैसे ही पूछ रहा हूँ भैया। अच्छा एक बात हो रही है, हरियाणा वाले अचार चटनी नहीं खाते सर? हाँ आपने दिया नहीं ना, खाते हैं भाई, आ रहे हैं अभी। दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमें रोटियाँ जो है ना तंदूर की मिली हैं देखो, और अच्छी बात ये लगी। और इस वाले रेस्टोरेंट में जो है कि इन्होंने मुझे कहा है कि दाल सर्व कर देंगे। थैंक यू भैया। ये चटनी मिली है देखो दोस्तों यहाँ पे, और कॉस्ट क्या है इसकी? जी इसकी कॉस्ट क्या है सर? चार्ज क्या है इसका? 210 रुपये सर। 210 रुपये, तो भाई इसका चार्ज है 210 रुपये। थैंक यू सर। कोशिश कर रहा हूँ पहले दाल से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल टास्क है लाइक। तो हम शाही पनीर की जरा ग्रेवी टेस्ट करते हैं यहाँ पे लाइक। ओह वाओ, अब जो है कि मिक्स वेज ट्राई करते हैं। दोस्तों आप मिक्स वेज ट्राई करते हैं, वाओ। बट इस वाले में मुझे जो है ना पर्सनली बता रहा हूँ, दाल बहुत पसंद आई, और ये सब्जी मैं कह रहा हूँ पता नहीं भाई, यहाँ तो यहाँ सब्जियाँ फ्रेश उगती हैं क्या है, मतलब यार मिक्स वेज का तो तोड़ ही नहीं है भाई, उस वाले में भी और इस वाले में भी, मतलब जो पहले वाले रेस्टोरेंट में रुके थे हम हरियाणा टूरिज्म वालों के उसमें, लेकिन पनीर की सब्जी तो भाई एंडलेस थी। बट यहाँ थोड़ा पनीर की जो ग्रेवी है थोड़ा है ऊपर नीचे, मतलब खट्टी मीठी सी लगी मेरे को, तो मुझे जो है कि पनीर की ग्रेवी जो है तीखी पसंद है। बट सब्जी जो है बहुत नाइस है, जो कि हमारी मिक्स वेज है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना, और बहुत ही एक अच्छे काम से मैं चंडीगढ़ आया था दोस्तों, आपको प्राउड होगा दोस्तों जब आपका भाई नेशनल टीवी पे आएगा। यस अभी मैं इतना ही बोल सकता हूँ बस, ज़्यादा नहीं, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसे इतने प्यारे श्रोता मिले
दर्शक मिले, सब्सक्राइबर, भाई बहन कुछ भी कह लो, आप मुझे इतना प्यार करते हो कि आपकी बदौलत आज आपका भाई एक टीवी शो पर भी आएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अब दोबारा जो है कि वही लुधियाना के जो हमने इसीलिए मैं वो पाँच दिन से भी तो इसीलिए दोस्तों हम पाँच दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो अब हम वही दोबारा से जहाँ से लुधियाना के जो हमारे रह गए थे एपिसोड हम वही पूरे करेंगे दोस्तों। और उसके बाद फिर दिल्ली और चंडीगढ़ में मैंने एक शूट किया है जो अपना हमारा टीवी शो का, तो वो तब आएगा जब हमारे वीटीज जो है कि रिलीज़ होंगे, उसके बाद हम उसमें बताएंगे कि मैं कौन से शो में आ रहा हूँ दोस्तों। तो अभी देखिए मुझे, तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, थैंक यू भैया। और पनीर प्लीज़ थोड़ा सा तीखा बनाया करें, हर कोई मीठा पसंद नहीं करता। बाकी सब ठीक था।